अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं स्कूसर डॉट कॉम का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम 103 के गेमिंग पीसी बिल्ड लेके आए हैं, यानी कि 1,03,000 की ये गेमिंग पीसी बिल्ड बनाई है। ये हमने बिल्ड बनाई है अब्दुल जबार भाई की, इनका ताल्लुक सखर से है। इनकी बिल्ड भी बनाएंगे और इस पर बेंच मार्किंग भी करेंगे। जबार भाई की भी डिमांड थी कि इनकी वीडियो जो है हमारे चैनल पर आनी चाहिए विद बेंच मार्किंग, तो विद बेंच मार्किंग अब हमारी वीडियोज़ आना शुरू हो गई। हम जो भी बिल्ड बनाते हैं उसकी बेंच मार्किंग लाजमी करके आपको दिखाते हैं ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए, और अगर आप लोग भी बाय करना चाहते हैं तो आपको बाय करने में आसानी हो और आपका माइंड भी बन जाए कि ये वाली बिल्ड आपके लिए बेस्ट रहेगी इस बजट में। तो इसकी जो ये हम 1,03,000 की ये जो बिल्ड बना रहे हैं, इसकी सारी स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको बताऊँगा, इनकी प्राइस अपडेट भी दूंगा और बिल्ड भी बनाएंगे और एंड पे बेंच मार्किंग भी करेंगे। इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाले तमाम वीडियोज आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो चलते हैं जी आज की इस बिल्ड की तरफ। इसमें जो ये बिल्ड हमने, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अब्दुल जबार भाई के लिए बनाई है, सखर से इनका ताल्लुक है, सखर सिंध से, सिंध से इन्होंने ऑर्डर किया है। इसमें शिपिंग का भी बताता चलूं कि शिपिंग इनके लिए फ्री है, शिपिंग कॉस्ट इन्होंने पे नहीं करनी, जस्ट इन्होंने अपनी बिल्ड की जो प्राइस है वो ही पे करनी है जितने की ये बिल्ड बनी है। शिपिंग कॉस्ट हमारी तरफ से डिस्काउंट है, बाकी वारंटी वगैरह की बात मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। तो अभी हम चलते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके प्रोसेसर की। जो इस बिल्ड के साथ हम प्रोसेसर यूज़ करेंगे वो i7 फोर जनरेशन का प्रोसेसर हम इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे, 4790 यानी कि 4790 प्रोसेसर हम इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। इसी तरह इसके मदरबोर्ड की बात करेंगे, जो इस बिल्ड के साथ हम मदरबोर्ड यूज़ करेंगे वो MSI का H81 मदरबोर्ड यूज़ करेंगे। 2 RAM स्लॉट वाला मदरबोर्ड है, इस पर 4 SATA ड्राइव लगने की ऑप्शन है। ये मदरबोर्ड हम इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। ये 2 RAM स्लॉट वाला मदरबोर्ड है, तो इसके साथ हमने जो है वो 16 GB रैम यूज़ की है, 8 GB की 2 स्टिक हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है 1600 MHz वाली। और इसी तरह इसके साथ जो हमने SSD यूज़ की है वो 256 GB SSD किंगस्टन की बिल्कुल न्यू बॉक्स पैक हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ की है। अब बात करेंगे इसकी HDD की। जो इस बिल्ड के साथ हमने HDD यूज़ की है वो 1 TB की HDD हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। और इसी तरह इसके साथ हमने 500 वॉट की PSU हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। गेमिंग केस की बात करें तो इस बिल्ड के साथ हमने जो गेमिंग केस यूज़ किया है वो सिकोटॉप का 240S गेमिंग केस विद 3 RGB फैन फ्रंट पे इस बिल्ड के साथ जो हमने यूज़ किया है, ब्लैक कलर में ये केस है। और ये फ्रंट पे इसके मैश है, साइड पे टेम्पर्ड ग्लास है, तो ये हमने इस बिल के साथ जो है वो सिकोटॉप का 240S इस बिल के साथ यूज़ किया है। लास्ट पे बात करेंगे इसके ग्राफिक कार्ड की। तो इस बिल के साथ हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है वो GTX 1070 8GB 256 बिट ग्राफिक कार्ड हमने यूज़ किया है MSI गेमिंग एक्स में, ये ग्राफिक कार्ड हमने जो है वो इस बिल के साथ जो है वो यूज़ किया है। तो ये थी इसकी स्पेसिफिकेशन। अब इनकी प्राइस का जो है वो आइडिया आपको देता चलूँ, जो इस वक्त करंट मार्केट प्राइसेस चल रही हैं, प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं, आप अपनी जो भी बिल्ड बनवाना चाहते हैं उसका आइडिया जो है वो आप हमसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, आप उस पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप अपनी जो बिल्ड का आइडिया ले सकते हैं करंट मार्केट प्राइसेस के हिसाब से। जो अभी प्राइसेस चल रही हैं मैं उसी हिसाब से आपको प्राइसेस की बताता चलूँ, तो जो प्रोसेसर इस वक्त चल रहा है मार्केट प्राइस, तो इस बिल के साथ हमने यूज़ किया है i7 फोर जनरेशन का, वो हमने 14,000 रुपये में इस बिल के साथ यूज़ किया है। इस तरह इसके साथ जो हमने मदरबोर्ड यूज़ किया है H81 MSI का 5500 में हमने यूज़ किया है। रैम्स की बात करें तो इसमें हमने 16 GB रैम यूज़ की, 8 GB की 2 6 1600 MHz वाली। उसकी जो प्राइस हमने इस बिल के साथ ऐड की है वो हमने 7000 इस बिल के साथ ऐड की है। 256 GB की SSD हमने बिल्कुल न्यू में इस बिल के साथ यूज़ की है किंगस्टन की 5500 में। 1 TB HDD की बात करें, जो इस बिल के साथ हमने यूज़ की है वो हमने 5000 में इस बिल के साथ यूज़ की है। और जो 500 वॉट की PSU हमने इस बिल के साथ यूज़ किया है वो भी 5000 में हमने इस बिल के साथ जो है वो यूज़ की है। गेमिंग केस की बात करें, जो इस बिल के साथ हमने गेमिंग केस यूज़ किया है सिकोटॉप का गेमिंग केस ब्लैक कलर में इस बिल के साथ यूज़ किया है, वो हमने 17500 में इस बिल के साथ यूज़ किया है। और इसी तरह इसके साथ जो हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है MSI गेमिंग एक्स का GTX 1070 8GB 256 बिट ग्राफिक कार्ड हमने इस बिल के साथ यूज़ किया है 45000 में। तो ये थी इसकी स्पेसिफिकेशन और प्राइस अपडेट। अब हम चलेंगे इसकी बिल्ड की तरफ, इसकी बिल्ड बनाते हैं और इसकी बेंच मार्किंग करके आपको दिखाते हैं।
Thank you.
Using weapons we had never dreamed of. But death is death, no matter where you are. And suffering is the same in every language. फ्रेंड्स, आपने देखी है इसकी बेंच मार्किंग और बिल्ड भी। अगर आप भी इस तरह की कोई बिल्ड बनवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर शोर है, वहाँ पे जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसकी वारंटी की बात करें तो इसकी वारंटी आपको 15 दिन की मिलेगी। इसमें डेड और पन वारंटी इंक्लूडेड नहीं है। डेड और पन के अलावा तमाम आर्टिफैक्ट्स की आपको जो है वो 15 दिन की वारंटी मिलेगी। बाकी शिपिंग की बात करें तो शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के किसी भी कोने, किसी भी जगह, किसी भी सिटी में आप इसकी फ्री शिपमेंट मंगवा सकते हैं। वारंटी भी मैंने आपको बता दी है। बाकी इस तरह का मजीद मालूमती कॉन्टेंट देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।